जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए कार्यक्रम हफ्ते की बात में। हिंदुस्तान की छोटी बड़ी खबरों को लेकर हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें चाहे छोटी खबरें हों या बड़ी खबरें हों और हमारे उत्तर दिनाजपुर से ताल्लुक़ रखती हों, जिन पर चर्चा करना ज़रूरी हो। हमने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाए जो मेन पॉइंट पर, मेन मुद्दों पर होते हैं, लेकिन हफ्ते में हम एक या दो वीडियो डाल पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हफ्ते की सारी खबरें एक ही वीडियो में आपको दी जाए, जो कि हफ्ते के आखिरी दिन में आए। और आज के इस कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड है जिसमें आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत भी करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में दो बड़ी बड़ी खबरें हैं जिनमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली और जो सबसे बड़ी खबर है वो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत से निकलकर आई है दोस्तों, इस्लामपुर यानी कि उत्तर दिनाजपुर ज़िले के इस्लामपुर गैसल से ताल्लुक़ रखने वाले एक फैमिली जिनके 6 अफराद की मौत हो जाती है पानीपत में। वाक़या पेश आता है जुमरात के सुबह, जिसमें बताया जाता है दोस्तों कि एक गैस सिलेंडर की लीक के वजह से एक फैमिली के 6 मेंबर की जान जाती है। एक फैमिली के 6 मेंबर, 6 शख्स जो एक ही रूम में सोते हैं, सुबह जब उनकी वाइफ कुछ काम के लिए, कुछ खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर को चलाती है तो वहां पर धड़ाम से इस तरीके से आग लगती है जिसकी वजह से उसकी बीवी वहीं पर जलकर बैठ जाती है और साथ ही साथ जो अफराद बाकी के अफराद थे वो भी सोते सोते ही जलकर राख हो जाते हैं। इस खबर को हम और भी विस्तार से सुनते हैं हमारे मुन्ना भाई से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ चाकुलिया के अंतर्गत से, चाकुलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके ज़बानी सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ इस खबर में, इस मामले में। आइए इसी वीडियो में सुनते हैं। ये राधा फैक्ट्री वाली गली, राधा फैक्ट्री वाली गली, कितने बजे का हादसा था ये? क्या ये सुबह 6 बजे के आसपास बताया जा रहा है, तड़के सुबह 6 बजे का मामला है। बच्चे और उनके पति जो सो रहे थे और उनकी पत्नी जो है चाय बनाने के लिए उठी हुई, जैसे ही सिलेंडर में मतलब आग लगाने की कोशिश की और राख से पूरे कमरे में आग भरी, जिसके कारण ना घर से बाहर निकल पाए काफी सारे पूरे परिवार के कमरे। अब दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तरीके के दर्दनाक वाकया पेश आते ही रहते हैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से। चाहे कोई रुए की मशीन में घुसकर किसी की चक्की चक्की हो चुकी हो, चुकना चूर हो चुकी है, हड्डियाँ जो हड्डी पसली जो है वो बिल्कुल बारीकी से एकदम उनको कट कर दिया गया हो, या फिर कोई बिजली लग के किसी की जान गई हो, करंट लग कर किसी की जान गई हो, या फिर कोई गाड़ी के अंदर आकर एक्सीडेंट होकर किसी की जान गई हो, या फिर किसी तरीके से भी जान गई हो, इस तरीके से मामला जो है सामने आते ही रहती हैं। लेकिन ताज़ा तरीन मामला ये है दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारे ही बंगाल के एक लड़की को, जो कि उत्तर दिनाजपुर से ही ताल्लुक़ रखती थी, उनको जो है कुछ लोग गोली मारकर उनकी जो है हत्या कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से दर्दनाक वाकयात पानीपत डिस्ट्रिक्ट से पेश आते हैं जो कि हमारे ही बंगाल के लोग हैं। तो रियासती हुकूमत क्या कर रही है इन सब चीज़ों पर? रियासती हुकूमत को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़ायद लोग दूसरी रियासत में काम करते हैं। तो रियासत को चाहिए, रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो जो है अपने ही बंगाल में बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज तैयार करें, अपने ही बंगाल में जो है फैक्ट्रीज बनवाए, ताकि जो है 1 मिलियन से ज़ायद लोग, 10 लाख से ज़ायद लोग जो दूसरी रियासत में काम करने जाते हैं वो कम से कम जाने की कोशिश करें, ज़्यादातर लोग जो हैं अपने ही जो है राज्य में काम करें। तो रियासती हुकूमत को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और जो दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों वो आती है हमारे ही उत्तर दिनाजपुर से। आपने तो कई तरीके की वीडियोज़ देखे होंगे, कई तरीके की खबरें सुनी होंगी और साथ ही साथ आपने कुछ ऐसी भी वीडियोज़ देखी होंगी सोशल मीडिया पर जिन पर कुछ लोग किसी पागल को उठाकर लेकर जाते हैं, उनके सेविंग करवाते हैं, हेयर कटिंग करवाते हैं, उनको नहला धुला कर अच्छे कपड़े वगैरह पहनवाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि शायद ये कोई शॉर्ट फिल्म है, लेकिन इस चीज़ को हकीकत साबित कर दिया है दोस्तों। ग्वालपोखर के ही ग्वालपोखर से ताल्लुक़ रखने वाले जो है क्वालीगर मॉडर्न जो क्लब है, उनके नौजवानों ने इस चीज़ को आज साफ तरीके से हकीकत में तब्दील कर दी है दोस्तों, कि रियलिटी में भी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ये खबर हमें देते हैं ग्वालपोखर के एक्टिव मेंबर रफ़ीक रॉक, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं। तो दोस्तों जो ये क्लब है क्वालीगर मॉडर्न क्लब, इन्होंने एक ऐसे शख्स को
पकड़ा जो कि मेंटली है, जिनके दिमाग की कमजोरी की वजह से वो अपने घर से 2 साल से लापता था। आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कि पागल हो, मेंटल हो और कुछ भी आके बके या फिर किसी तरीके की भी हरकतें करे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इन लोगों को मारना बेहतर समझते हैं बल्कि अपने पास बुलाने से। लेकिन जो क्वालीगंज मॉडर्न क्लब है, उनके नौजवानों ने इस चीज़ को साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों से दूर भागने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमें ऐसे लोगों के करीब जाने की ज़रूरत होती है और ऐसे लोगों की मदद करनी होती है। बहरहाल दोस्तों, जिस शख्स को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम बताया जाता है रतन वर्मन है। ये कोचबिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले 2 सालों से ये अपनी फैमिली से जुदा हो गए हैं और अपने फैमिली से काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से इनके फैमिली मेम्बर्स का कहना है कि हम काफ़ी टाइम लंबे समय से इनको ढूंढते हैं। हम अगर एक टाइम का खाना खाते हैं तो दूसरे टाइम इनके बारे में सोचते हैं कि ऐसे सर्दी के मौसम में वो अभी कहाँ पर होंगे। तो ग्वालपोखर मॉडर्न बॉयज़ क्लब ने, जो ग्वालियर मॉडर्न बॉयज़ क्लब ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि आज भी इंसानियत इस दुनिया में ज़िंदा है। ग्वालियर मॉडर्न बॉयज़ क्लब ने जांच पड़ताल के बाद ये पता किया कि ये शख्स जो है कोच बिहार का है और उनकी फैमिली को तुरंत ही सूचना दी जाती है। खबर मिलते ही उनकी फैमिली रात के करीब 8:30-9 बजे के करीब पहुंचती है। पहुंचने के बाद इस शख्स को वापस ले जाती है और उन तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने इतने बड़े कदम को इतने अच्छे तरीके से उठाया। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि इंसानियत आज भी इस दुनिया में ज़िंदा है। दोस्तों मैं तो चाहूँगा कि हर किसी को इसी तरीके की जो है इसी तरीके के सोशल वर्क्स करने चाहिए, ताकि जो है आने वाले टाइम पर जो नस्लें हैं वो ख़राब ना हो, वो भी इन सब चीज़ों पर अमल करें। बाकी इस खबर के लिए मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ ग्वालपोखर के एक्टिव मेंबर द रफीक रॉक को, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। और जो पहली खबर थी उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमारे ही चाकुलिया के एक्टिव मेंबर मुन्ना भाई का। तो मैं इन सभी लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया ग्वालियर मॉडर्न बॉयज़ क्लब ने। इन सभी कमेटी के तमाम मेंबर्स को मैं दिल से शुक्रिया कहता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाई और इस तरीके से इंसानियत की एक मिसाल दिखाई लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।